कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, मेरा गांव का और मेरे आसपास के गांव का, पाजू का, सिंघाणा का, मेरे हलके का, बड़े दिल से धन्यवाद करूँ, मेरा इतना साथ दिया। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम। सर आपका नाम? राजकुमार राणा। सर सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है, तो आप कुछ बताना चाहेंगे कांग्रेस पार्टी आपने क्यों ज्वाइन की है? धन्यवाद मैडम। कांग्रेस पार्टी मैंने इसलिए ज्वाइन की है मैडम, बीजेपी ने देश में दंगे भड़को आ रखे हैं, और हिंदू मुस्लिम की लड़ाई, कभी राम मंदिर की लड़ाई, हर टाइम इनको अलग अलग युक्ति सूझती रहती है, भाईचारा बिगाड़ दिया। और मैं तो समाज में लोगों की सेवाएं करता रहता हूं, देखता हूं, लोग इसको मन से चाहते ही नहीं है बीजेपी को, अब तो ये कहने लग गए भी कांग्रेस ही अच्छी है। तो मैं राजनीति में आप अपना आदर्श किसे मानते हैं? राठौड़ को जी। पूरा नाम? वीरेंद्र सिंह राठौड़ को जी। सर अगर आप चाहते हैं तो आप यहाँ इस हलके से भी या फिर करनाल जिले से भी आप किसी भी कांग्रेस लीडर को बुला सकते थे, पर आपने इतनी दूर से इनको ही क्यों बुलाया? एक तो पार्टी के सचिव है जी, और हमारे हरियाणा से, उन्होंने राजनीति बहुत अच्छी की है और वो बढ़िया राजनीति करते हैं। मैंने उनको जाके बोला था, दिल्ली गया था मैं उनसे मिलने, भाई मैं कांग्रेस ज्वाइन करना चाहता हूँ। उन्होंने पूछा क्यों करना चाहते हो? भाई अब तो सरकार है, सरकार को छोड़ के तो कोई भी कांग्रेस ज्वाइन नहीं करेगा, मेरे को मैं अच्छे नेता लगे हैं, इसलिए मैं आपके साथ कांग्रेस ज्वाइन करना चाहता हूँ आपके हाथों से। उन्होंने मेरे को मान सम्मान दिया, मेरे कहने से मेरे गांव में आए और 50-100-200 लोगों को कांग्रेस भी ज्वाइन करवाई, बहुत अच्छे इंसान है वो। सर कांग्रेस में आने के बाद आपके क्या उद्देश्य रहेंगे अपने हलके के लिए या जनता के लिए, कि आप क्या करना चाहेंगे कांग्रेस में आने के बाद? कांग्रेस में आने के बाद मैं अपने हलके के लिए, जैसे सभी लोग प्रयास करते भाई मेरे हलके में अच्छे कार्य हो, अच्छे नेता आए, बढ़िया बढ़िया ग्रांट आए और सभी लोगों का भला हो, हम ऐसे करेंगे और उनसे भी कुछ अच्छा करेंगे। तो आप चुनाव जी, आप एक बहुत ही बड़े समाज सेवी माने जाते हैं सफेदो हल्का से जी, तो क्या समाज सेवा से राजनीति में आए हैं, क्या इससे समाज सेवा को और बढ़ावा देना चाहेंगे? बिल्कुल देना चाहेंगे जी। किस तरह की जो क्या प्लान है आपके? नहीं प्लान तो देखो मेरा वो नहीं है जो सब ने सोच लिया। मैं ये बता दिए, राजनीति में आने का क्या उद्देश्य है आपका? राजनीति में आने का तो ये उद्देश्य है भाई साहब, राठौड़ साहब के साथ मैं काम करना चाहता हूँ, उनकी टीम में पब्लिक की सेवा करना चाहता हूँ। कांग्रेस के और भी बहुत बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, आपने अपने राजनीति कैरियर की शुरुआत वीरेंद्र सिंह राठौड़ से ही क्यों की? मेरे को ये लगता है कि ये सबसे बड़े दिग्गज है, आज लग इनकी छवि पे कोई दाग नहीं है। माना जाता है कि जो वीरेंद्र राठौड़ है उनको सेकंड राहुल गांधी माना जाता है, क्या ये चीज इस चीज ने प्रभावित किया आपको? नहीं जी, वैसे तो किया इस चीज़ ने भी, लेकिन ये बहुत बड़े समाज सेवी, आज तक इन्होंने इनकी छवि पर कोई दाग नहीं है किसी तरह का, और इनको लाखों लोग पसंद करते हैं। जैसा कि आपके गांव से आज काफी युवाओं ने, सैकड़ों युवाओं ने आज बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन की है जी, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, मेरा गाँव का और मेरे आसपास के गाँव का, पाजू का, सिंघाणा का, मेरे हलके का, बड़े दिल से धन्यवाद करूँ, मेरा इतना साथ दिया, अध से ज्यादा दिया। तो क्या आने वाले विधानसभा चुनाव की कुछ तैयारियां मानी जा सकती हैं आपको लेके? नहीं वो तो नहीं मैं कह सकता, और ऐसा मेरा विचार भी नहीं। आने वाले टाइम में सर आप अपने आप को कहां खड़ा हुआ देखना चाहते हैं? समाज सेवा करने में। समाज सेवा तो आप सोशल सेवा बनकर भी कर सकते हैं, तो कांग्रेस में आकर क्यों, नेता बनकर क्यों? पता क्यों करना चाहता हूँ, जैसे जाएंगे अगर पार्टी से जुड़ेंगे, ग्रांट आएंगे, सरकारी कामों का लाभ लोगों को दिलाएंगे, जब किसी के लिए काम करेंगे तो उनसे मांग के भी लाएंगे और अपने गांव में अपने आसपास लगाएंगे, लोगों को और अच्छा लगेगा, हमारे क्षेत्र का विकास होगा। इसलिए आज का एक जो इतना सफल कार्यक्रम किया आपने, जिले जींद का सबसे बड़ा गांव आपका मोहना जी, और गांव में आप एक जानी मानी शख्सियत हो, इतना बड़ा जो आपने कार्यक्रम रखा है और आपके छोटे से बुलाए भी इतने बड़े जो कांग्रेस के जो नेता आपने यहाँ, वीरेंद्र सिंह राठौर जी प्रभारी भी हैं बिहार के और राष्ट्रीय सचिव हैं AICC के, हाँ जी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के, तो जब इस तरह की एक शख्सियत आपके गांव में आपके घर पे आई जी और जो माहौल बना, इतना बढ़िया जो माहौल बनाया आपने गाँव के अंदर, तो भविष्य में आगे और क्या योजनाएं हैं?
भविष्य में हम कांग्रेस पार्टी का पूरा साथ देंगे और हमारा MLA जो आगे आने वाला होगा कांग्रेस से बहुत वोटों से जीतेगा, बहुत वोटों से, दूसरे MLA को तो 5-4 हज़ार वोटों का। इस बार के जो मौजूदा विधायक है कांग्रेस के सुभाष गांगुली, अब आपके गांव से जीत चुके हैं और कहा जाता है कि मोना से जो विधायक जीतता है उसकी जीत निश्चित हो जाती है। बिल्कुल पक्की 100% है जी। तो आगे इतिहास है जी, विधानसभा चुनाव के लिए किस तरह की तैयारी रहेंगे आपकी, क्या सहयोग करोगे कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस पार्टी का ये सहयोग करेंगे, दूसरे MLA को 200 से 250 वोट मिलेगी, उससे ज्यादा नहीं मिलेगी। अच्छा, हाँ मैं एफिडेविट दे सकता हूँ इस बात का, एफिडेविट के साथ दे दूँगा। हाँ अभी तुरंत। या आपके भाई हमारे साथ बिट्टू राणा बैठे हैं हमारे साथ जी। सर आपके भाई हैं राजू राणा? भाई मेरे जीजा जी हैं। अच्छा आपके जीजा जी हैं? हाँ जी। आपके जीजा जी हैं राजू राणा, इन्होंने आज कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है सर, तो क्या लगता है इनके राजनीतिक भविष्य को लेके क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ जी, बड़ी खुशी की बात, और जी आगे बढ़ेंगे और बढ़िया काम करेंगे, उज्जवल भविष्य तो बनाए देंगे। समाज सेवी हैं, बहुत बड़े पहले से अनाथ आश्रम बना रहे हैं आपके गाँव में, अपनी व्यक्तिगत रूप से अनाथ आश्रम खड़ा कर रहे हैं, तो क्या लगता है राजनीति में आने के बाद समाज में और बढ़ावा मिलेगा? हाँ जी बढ़ावा मिलेगा जी, बिल्कुल बढ़िया काम करने लग रहे हैं जी। चलिए राजू राणा जी, आज का जो कार्यक्रम था हमारी ओर से शुभकामनाएं आपको, जो मीडिया की टीम आपके यहाँ बैठी है, असन से हमारे जी हैं जी, और असन से हमारे सिमरन जी हैं, ईश्वर जी हैं, मैं ये विशेष रूप से आपके बुलाए पे छोटा आपने मैसेज किया था, ये असन की बाटमनी की जो टीम आपके साथ बैठी हुई है बहुत मेहनती है, हमारे दोनों साथी पत्रकार हैं, महिलाएं पत्रकार हैं जो, तो एक क्या संदेश देना चाहेंगे सफेदों की हलका को इस कार्यक्रम को लेकर और आगे भविष्य की जो राजनीति आप? मैं पहले तो आप सभी पत्रकारों का बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं, और दो बार आना पड़ा, मैं किसी वजह से फोन नहीं उठा पाया था, फिर भी दोबारा आए, इन्होंने इतना मान सम्मान दिया, मैं हमेशा याद रखूंगा इनका मान सम्मान, और इनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। और ये मेरे दोस्त हैं रिंकू राणा, मुकेश जी हैं, मनीष जी हैं, सलीम है, सभी मेरे दोस्त हैं, शक्ति जी हैं, बिल्कुल इन भाइयों ने मेरा, कुलदीप महेंद्रा जी हैं, मतलब सवेरे आ गए थे, पूरी धुंध थी, सर्दी थी, जितनी भी शख्सियतें बैठी हैं, क्या मेरे दोस्तों का, मेरी टीम का, जितने भी बंदे आपने इनवाइट किए हैं, एक एक बंदा, सभी बंदे VIP बैठे हुए हैं, युवा भी है उनमें, बिल्कुल ये दिल के भी VIP हैं, दिल के VIP, बिल्कुल सही कहा आपने, एक मेरा ये दिल वाली को, और मेरे पीछे मेरा दोस्त खड़ा अनुज राणा, ये सवेरे 3 बजे आ गया था, मेरे को खुद उठाया इसने, तू सो रहा प्रोग्राम की तैयारी करनी है, ये सभी दोस्त मेरे से पहले आ गए थे, मेरे लिल्लू बाबा, हर एक बंदे के पीछे हजारों बंदे हैं, बिल्कुल है। तो क्या मान लिया जाए राजू राणा इस बार 2024 स्पीडो विधानसभा की चुनावी तैयारी में? नहीं जी, मैं ये नहीं कह सकता जी, कांग्रेस के लिए काम करेंगे, बिल्कुल कांग्रेस के लिए काम करूंगा और पूरा दबा के करूंगा, और मेरे सभी दोस्तों के साथ करूंगा, यानी कि सफेदों की राजनीति में कांग्रेस की ओर से किंग मेकर की भूमिका निभाने की तैयारी कर। हाँ ये बिल्कुल, जैसे कि आप यहाँ सबसे जोड़े आते हैं। हाँ जी बिल्कुल। लास्ट में क्या संदेश चैनल के माध्यम से आप हल्का के वासियों को देना चाहेंगे? मैं हल्का वासियों को ये संदेश देना चाहता हूँ, हमारे सभी युवा साथी और हमारे साथ सभी जुड़े, और अब की बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार लाएंगे और पूर्ण बहुमत से लाएंगे, और फिर बड़े बड़े ग्रांट लाएंगे अपने हल्के में, पूरा सुधार करेंगे। चलिए राजू राणा जी, हमारे चैनल की ओर से भी आपको बहुत ढेरों शुभकामनाएं कि राजनीति में आपने जो कदम रखा है वो आपके लिए सक्सेस हो, और एक सफेदों में जब भी कांग्रेस पार्टी का चुनाव विधानसभा का हो या लोकसभा का हो या अन्य और कोई चुनाव हो, तो आपकी एक विशेष किंग मेकर की भूमिका के लिए इन नीच बातों के साथ आपके लिए हमारी पूरी टीम की ओर से बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू जी। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।